टेंशन हो रही, मेरी साड़ी खुल गई यार। अब मैं वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल, मैं हूँ आरती। सो कैसे हो आप सब? तो गाइज, आज का वीडियो जो है बहुत ही अलग होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि मैंने ऐसा कभी सर्वाइव नहीं किया है। मतलब मोस्टली शादी में ही मैं ऐसे रही हूँ, तो मैं आज पहनने वाली हूँ साड़ी फॉर अ डे। और मेरी साड़ी भी बहुत ज़्यादा प्यारी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। तो आज मैं साड़ी पे रहने वाली हूँ जब तक के मैं हूँ सबके साथ। मैं बाहर भी जाऊँगी तो मुझे देखना है कि मैं कैसे सर्वाइव करूँगी पूरा दिन साड़ी पे। क्या मेरे लिए इजी होगा या मेरे लिए डिफ़िकल्ट होगा, वो तो आपको व्लॉग के एंड तक पता चल ही जाएगा। सो चलो फटफट जाते हैं, साड़ी पहनते हैं एंड फिर आपसे मिलते हैं। ये है मेरी साड़ी फॉर द डे, और मैंने आज हल्की साड़ी मतलब प्रिफर की हूँ, क्योंकि मुझे बहुत टाइम तक रखनी है। और हाँ, ये साड़ी थोड़ी आपको फुली लग रही रहेगी, क्योंकि मैंने इसका फॉल मेडिंग नहीं करवाया है, और प्लस इसका ब्लाउज भी मैंने नहीं स्टिच करवाया, क्योंकि मुझे बहुत इमरजेंसी में वीडियो बनानी थी। तो इसलिए मैंने जो मेरा टॉप था जिसके साथ मैच कर रहा था वो ही मैंने पहन लिया है, और इसको ऐसे करके मैंने ये कर दिया है मतलब सेट। तो अभी ये तो हो गया है, तो चलो अभी थोड़ा सा लाइट मेकअप करते हैं, चलते हैं बाहर, देखते हैं कैसे क्या कर सकते हैं। सो तो गाइज, मैं निकल तो गई हूँ, और सबसे पहली मुसीबत जो मुझे आई है, जो भी मुसीबत आएगी मैं आपसे शेयर करूँगी। सबसे पहली मुसीबत मुझे ये आई है कि मैं जब ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो मुझे सब पूरा पल्लो ऐसे ऊपर उठाना पड़ रहा है, क्योंकि ये हाथ में ऐसे अटक जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये गाइज कि मुझे बाइक चला के जाना है, मैं फर्स्ट टाइम साड़ी पे बाइक चलाऊँगी, मेरे को बहुत डर लग रहा है, पता नहीं मैं कैसे कर पाऊँगी। बट चलो अभी जैसे सोचा है करना है तो करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो गाइज, मैं जाने के लिए रेडी हो गई हूँ, फिंगर्स क्रॉस। मुझे डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, बट मुझे ट्राई करना है, क्योंकि कभी ना कभी तो मैं साड़ी पहन के ट्रैवल करूँगी, तो मुझे ये सब आना चाहिए। सो यस, चलो चलते हैं। सो गाइज, फाइनली बहुत मुश्किलों के बाद मैं पहुँची हूँ। एक्चुअली ब्रिज पे ये हो गया था कि मेरे आँख पे वो मक्खी रहती है ना, वो लग गई थी और मैं इतनी धड़पड़ गई थी। एंड योर विज अर्सू ने मुझे बोला था कि मैं आता हूँ लेने के लिए, बट मैंने बोली नहीं मैं आऊँगी, खुद से टेंशन नहीं है। कौन से ट्रेडिशनल डे क्या आज? नहीं, मैंने आज मैं वेयरिंग साड़ी फॉर अ डे बना रही हूँ। डे या नाइट है? मतलब अभी मेरा डे अभी शुरू हुआ है ना। तो गाइज, अभी हम लोग जा रहे हैं सुफियान भाई और निदा से मिलने के लिए, तो मैं थोड़ी बहू बन जाती हूँ क्योंकि मेरे बाल खराब हो गए। सो लेट्स गो। सो गाइज, फाइनली हम लोग बहुत जगह पे विजिट करने के बाद आ गए हैं अभी नियांस के, निदा के घर पे। तो यहाँ पे चंगू मंगू बैठे हैं, और यहाँ पे है अरसू। एक बात बताओ, तुमने मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया, हाउ एम आई लुकिंग? देखा, मैं देख के बोला मैंने अम्मी की साड़ी बन गई है, अरे सॉरी अम्मी का दुपट्टा दुपट्टा लपट गया ये बोलते। अरे यार, एक बात बता देता हूं गाइस कि आरती जो कर रही है वो DIY कर रही है। तो DIY ब्रो, खुद से ही कपड़े बनाएंगे, खुद ही पहनते हैं। लेकिन ये साड़ी है, साड़ी है मेरे को मालूम है, लेकिन खुद ही चूज कर रहे कि मैं आज ये साड़ी पहन। अरे नहीं, घर में से चेक करी अम्मी का दुपट्टा कौन सा है, बोले अच्छा चलो चलो इसी को साड़ी बना लेते। तो मैं एक बात बता देता हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक DIY सजेस्ट करना चाहता हूँ, वो है ये, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा कमी है, ऐसा पहन के इस पे। अरे आरती, तुमको मालूम है तुमको ना सबसे ना चैलेंज लेना चाहिए DIY की जगह पे, कि कोई तुमको ना ये फोटो भेजे हुए और तुमको एग्जैक्ट वैसा ड्रेस करना है। अच्छा, लुक क्रिएशन। ओके, सो मैं ड्रेस में ज्यादा खर्चा भी नहीं है। क्यों? कम मीटर में कपड़ा आएगा ना। अरे यार, मैं तुम लोग को बोल रही हूँ, 2 महीने बाद मैं यही सवाल तुम लोग से पूछूंगी, हम लोग यही जवाब देंगे। नहीं, मैं जिम चालू कर रही हूँ गाइस। नहीं, जिम जाऊंगी ताकि मैं थकूं, और अगर मैं थकूंगी तो फिर मैं खाना खा पाऊंगी। अरे बहन, तुम्हें थकने के लिए तुम्हारी बॉडी में मास है। अरे तो इंसान थकेगा नहीं तो उसको भूख कैसे लगेगी? कितने फ्लोर पे रहते हो? 11। तो रोज ऊपर नीचे करो 11 मतलब। वाओ, साड़ी पहना। अभी मेरे को एक ऐसा दिमाग में आया कि जब मैं घर जाऊंगी तभी मैं साड़ी पे साइकिल चलाऊंगी,
क्योंकि अभी अभी मेरे डैडी ने न्यू साइकिल मतलब उनको मिली है गिफ्ट, तो वो एक साइकिल चलाऊंगी। और गाइस तुम लोग मुझे कुछ भी टास्क दे सकते हो जो मैं साड़ी में कर सकूं। वो तो मैं आराम से उठा लूंगी यार, कम ऑन, ऐसा डिफिकल्ट, गिव मी डिफिकल्ट थिंग्स टू डू। ये झूला आराम से कर लूंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और कर ली तो सुफियान ने मुझे दोबारा बर्तन का ट्रे दिख रहा है, वो ट्रे भी हटा के उधर किचन टेबल पर रख, ये ट्रे किचन टेबल पर रखना है, किचन टेबल को हटाकर इधर कर दो और बेडरूम को हटा के बाहर कर दो, लिविंग रूम हटा के नीचे लॉबी में कर देंगे फटाफट। बोलती थी ये पहले किचन टेबल का हां वो उधर बेसन के बाजू गैलरी अंदर, हां यार मैं भी यही बोल रहा था, अंदर आ जाइए चलेंगे। हां गैलरी धुलवाने का है, रुको 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 रुको, अरे ये तो काम वाली बाई लग रही है, अरे इतनी खूबसूरत काम वाली बाई, प्लीज डोंट टेल मी, मैं उसमें कांच की भी कपड़े में आराम से, ऐसी कमर ऐसी ही हो जाए हमेशा के लिए, एक बार टूटी कुछ भी मम्मी गवाह है, स्टील का है सब, स्टील का है, नहीं कांच का भी उसमें, आंटी देख लो, देख लो आंटी, आ जाओ, अरे जगह ही ऊपर इधर रखने के लिए, तो जहां से उठाए वहीं पर रख दो, वही तो करना था, अच्छा ऐसे है क्या, जहां से उठाए हो वहीं से रख दो फिर से, हां चलो जा रखो मारा दो छोड़ो फिर से, अरे पर अभी रख दूंगी मुसीबत ये है कि झाड़ू ढूंढ के दिखाओ, अच्छा मिल गई, तुम्हारे साइज का बना के ऐसा नहीं बैठ के क्या भाई, वो तुमको समझ में नहीं आ रहा, झाड़ू मारना आता नहीं, बैठ के झाड़ू मारता है, झाड़ू मारता है, ये अब लगी कांता भाई, अरे अरे शीला ज्यादा ही साफ हो गया यार शीला, अरे ये क्या साफ, एक जगह पे आगे पीछे होना पड़ता है बहू, अरे तो कारपेट पे झाड़ू मारते हैं, मारते हम लोग सब चलते हम लोग घर में जाए से, जो चीज साफ होती है उसको और साफ नहीं करना चाहिए, क्यों, कौन बोला, किसी महापुरुष ने, महापुरुष है कौन, कौन है वो महापुरुष, अभी उसको ढूंढना पड़ेगा, अच्छा और नहीं बोली मैं, झूला जान दो, झूला जान दो, एक काम चाय बना दो, वो समझो क्या, अरे डिफिकल्ट काम देती हूँ, ये झाड़ू को पकड़ के खड़े हो 5 मिनट, हल्का है, क्यों क्या है उसके अंदर, अरे पॉट बन के दिखाओ, बनू पॉट कैसे बनूंगी, आई एम अ टी पॉट, टी तुम्हारे दोनों तरह से चाय निकलती क्या, अरे पॉट मतलब वो पकड़ के पॉट बनना है, तुम बोलो ऑफिस कबल की ब्रांड एम्बेसडर दिख रही है, बोलियो तन्वीर भाई को कि मुझे बना दो, आरती के घर वाले बोलते रहेंगे सुपर कितना बोलता है उनकी, ये भाई मस्ती मजाक करते भूल जाते हैं लोग, पता है सबको एकदम पीपल की झाड़ और चुड़ैल, लेकिन ये झाड़ की खूबसूरती बढ़ गई कि मैं इसके बाद में मुरझा गए प्लास्टिक के मुरझा गए, एक महीना हो गया है बढ़ रहा ही नहीं है, आधी पकड़ ली अभी मैंने छू ली ना, अब बढ़ेगा देखना, अब अबे देख पत्ता पत्ता गिर गया, देख पत्ता सड़ रहा है, देख इससे गाइस अगर अभी लोगों डिफिकल्ट टास्क याद आया तो वो मैं करूंगी, अभी के लिए पॉज ले दूं, थोड़ा थक गई मैं, फाइनली मैं आ गई हूँ घर और मेरे साथ एक सीन हो गया, बाइक चलाते चलाते गाइस मेरी साड़ी खुल गई है पूरी अंदर से और मैंने इसको बस ऐसे कस लिया है अभी और मुझे बहुत टेंशन हो रही है मेरी साड़ी खुल गई यार, अब मैं वो तो अच्छा हुआ कि गाइस मैं रास्ते में नहीं थी और मैं घर मतलब बिल्डिंग के पार्किंग में पहुंच गई थी, मैंने तब तक कैसे उसको पैरों के बीच में वो किया था, अभी भाभी को बोलती हूँ वापस इसको थोड़ा सही से वो करने फिर मैं चलाऊंगी साइकिल, अभी मैं चला रही हूँ साइकिल ऑन साड़ी, साड़ी ऑन साड़ी, भैया पूरी साड़ी उतार रही हूँ, मारते हैं
वो भी हंस रही है। ओ भाई, ये साड़ी, ये साड़ी बोल रही हूँ, ये साइकिल की हाइट बहुत ज्यादा है, साड़ी साड़ी अटक गई ना सही में। अयो, अरे भाई वो डिफिकल्ट है, बाइक इजी थी। जा तेंचे घरी मैं आ गई थी घर और आते साथ मैं सो गई थी क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।